देख सकते हैं बाबू भैया कि हम कहाँ उतरे हैं। असल में एक खास मार देगा मुझे तो, ये कहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कहीं कभी नहीं छोड़ेगा मुझे। ये रिस्क नहीं लेने का, डी मोड हमको चौथे नंबर पर आना, टॉप 40 में आना पर हम देख नहीं सकते, वो बॉट होगा और भी कोई है पता लग जाएगा। वैसे ये तो घटिया गन थी, नहीं लिए देख के हमको बिल्कुल पसंद नहीं। तो 40 में आने में ये तो ड्यूम मोड में आने बहुत मुश्किल होता है, पहली बार हम खेल रहे हैं तो रुकता भी नहीं है ना, ट्रायंगल का सामान देखेंगे कोई दूसरी नाइन में मिल जाए तो इसको बदली कर लेंगे। ये तो कोई आ चुका है पहले, कौन है भैया? फेवरेट दो बच्चे को खुशहाल कराना, 9mm लेके गेम खेलते जाना। हमारा साथी कहाँ उतरा है? ये अपने मैयत को उतारने उतरा है, यहाँ पर भी मर जाएगा भूतनी का, तो ये हम ही ना मर जाए इतना बोल रहा हूँ। पहली बड़ी गंदी जगह उतरा, पता नहीं लोगों क्या शौक है, अब कम से कम जरूरी है क्या इस टाइम में उतरोगे तो बाप के प्लेयर कहलाओगे नहीं, तो कुछ नहीं बोलना नहीं चाहिए थी, गंदी लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए। बस क्या सिक्स एक्स मिल गया हमको, सारे हम सिक्स एक्स वाली गन जब लगे हैं सिक्स एक्स, देखते हैं क्या होता है सिक्स एक्स नहीं नहीं पे लगती है तो ओहो बतलाता ही नहीं दूसरा हमको कि क्या करना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए। कैसे खेलना चाहिए बैठ के छुपके बैठा हुआ है क्या? ये लैग इतना करता है ना, उससे कंट्रोल नहीं होता वो। हर
हर बंदा फौजी नजर आ रहा है, ये हालत हो गई जिंदगी की। लाइट आ रही थी तो हम थोड़ी जगह बदली करेंगे। बचाने के लिए ये करीब जगह पर यहाँ आने से मार देगा आगे, उस हिसाब से ये आ रहे हैं ना, वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। मतलब बोल ही दे रिकॉल में नहीं जाता अकेले बंदे क्या लड़ेंगे। जिस तरह मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे मुझे मार दे।
फायदा भी नहीं।